नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी में बे के यूट्यूब चैनल पर। सो GIT 939 का 24 अगस्त का शिफ्ट सेकंड का ये पेपर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम जो पिछली तरह से आपके जो टाइपिंग पेपर मैंने शेयर किए हैं उसी तरह का सेम पैटर्न पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछला जो मैंने पेपर शेयर किया था बैच 3 और 4 का आज का ही, उसमें भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में पैसेज था और ये भी इसी से रिलेटेड है। सेम वैसे के वैसे वर्ड्स आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको आप मतलब अच्छे से तैयारी करके जाएं उनकी। जैसे प्रोसिक्यूशन मैंने आपको बता दिया था, कॉग्निजेंस या करप्शन एस्टेब्लिश्ड या और तरह से प्रिवेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अथॉरिटी सेंक्शनिंग अथॉरिटी, तो इस तरह के वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे अगर आपने वो प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको इस पैसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्योंकि मैक्सिमम जो गलतियाँ आपकी होती हैं वो इन्हीं वर्ड्स में होती हैं, जैसे ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब किसी किसी में क्या गलती हो जाती है कि एक ही आर लगा किसी से, या प्रिवेंशन में किसी ने ई मिस कर दिया या ए लगा दिया, तो इस तरह की गलतियाँ ही होती हैं आपकी, फिर वो मिस्टेक्स में काउंट हो जाती हैं और फिर आपकी कई लोग तो इससे बाहर भी हो जाते हैं। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार जैसे कमीशन क्या करता है कि देखिए सेम सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेंक्शन सेंक्शन, तो यहाँ पे जो है लाइन मिस या लाइन रिपीट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से आती है। देखिए यहाँ पे सेंक्शन सेंक्शन बिल्कुल ऊपर नीचे हैं, तो जब वहाँ पे प्रेशर होता है आपका टाइपिंग के टाइम पे, तो ये सेंक्शन में अगर आपने ऊपर वाला भी टाइप कर रहे हो और आप सीधे नीचे पहुँच गए तो आपकी लाइन मिस होगी। अगर आपने दोबारा वही लाइन टाइप कर दी तो लाइन रिपीट होगी। तो उससे क्या होता है कि देखिए आपके इस लाइन में अगर मान लीजिए 100 स्ट्रोक्स थे, अगर 100 आपके स्ट्रोक्स थे तो आपको उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके 20 मिस्टेक्स आपकी काउंट होंगी, 20 मिस्टेक्स। तो उस केस में आपको जो है ज़्यादा फिर स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपके ज़्यादा 1600 या 1700 स्ट्रोक्स हुए तो आपका टाइपिंग क्लियर करना मुश्किल हो जाता है कई बार, अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो गई तो। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लाइन मिस या लाइन रिपीट से बचें और आराम से टाइपिंग टेस्ट करें और ये ईज़िली आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप की थोड़ी भी प्रैक्टिस होगी तो। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बैच 5 और 6 था, ये Shift 2 थी और ठीक है। तो ये इसका जो PDF है आपको भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिंड कमेंट में भी, वहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे, पंचायत सेक्रेटरी का भी और GIT 939 का भी। GIT 939 के 22 अगस्त 23 अगस्त और आज के भी टाइपिंग टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि आने वाले जो 25 अगस्त या उससे बाद के जो टाइपिंग टेस्ट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और पंचायत सेक्रेटरी का भी आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। अगर आपके डिफ़िकल्ट में ही अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे हैं तो आपको इस जैसे जो GIT 939 के ईजी हैं ये, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और आपके दिन शुभ हो। धन्यवाद।